जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम पितृदेवाय नमो नमः। ओम पितृदेवाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ये पितृ गायत्री मंत्र है और पितरों की शांति के लिए ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवच नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। इन मंत्रों का जप करना चाहिए श्राद्ध पक्ष में। इस बार श्राद्ध पक्ष 17 दिन का हो रहा है, 16 दिन के बजाय एक दिन ज़्यादा है। बीच में दो दिन श्राद्ध नहीं करना है, एकादशी को श्राद्ध नहीं किया जाता है। पितरों के बारे में एक बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी गलत फहमी आज के ज़माने में हो गई है। मनुष्य पितरों को गयाजी छोड़ करके आ जाते हैं, ऐसा पंडित जी लोग ब्राह्मण लोग कहने लगे हैं कि आप अपने पितरों को गयाजी छोड़ के आ जाओ तो फिर पितरों के निमित्त आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है, जो भी ये प्रचारित कर रहे हैं वह गलत प्रचारित कर रहे हैं। आपको पितरों के निमित्त चाहे गया जी में छोड़ करके आ जाएं, चाहे भागवत जी करा लें, चाहे मुक्ति करा लें, चाहे मोक्ष करा लें, तो भी 16 श्राद्ध में आपको पितरों के निमित्त श्राद्ध पक्ष मनाना है। और श्राद्ध पक्ष में पितरों को तर्पण भी करना है, पिंडदान भी करना है, ब्राह्मण भोजन भी कराना है। कई कई जगह मैंने देखा है कि ब्राह्मण नहीं मिलता तो कन्या को भोजन करा देते हैं, बच्चे लोगों को भोजन करा देते हैं, खीर पूड़ी खिलवा देते हैं। वह भी उचित है, यदि ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो कन्या को या बटुक को भी भोजन कराया जा सकता है। तो जो जिन जिन मनुष्यों के कान में ऐसी बात आई है और उन लोगों ने छोड़ दिया कि हमको तो गया जी छोड़ के आ गए थे, 8 साल हो गए, तो 8 साल से हमने किसी का तर्पण नहीं किया, कोई पिंडदान नहीं किया, कोई श्राद्ध नहीं किया, यानी कि ऐसे मनुष्य अपने पितरों से पीड़ित देखे गए हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। श्राद्ध पक्ष में तो पितरों को ब्रह्मांड से, जो पितृ लोक हैं, वहाँ से छोड़ा जाता है कि जाओ देख करके आओ और उसी हिसाब से आशीर्वाद प्रदान करना। तो चाहे इस पृथ्वी लोक पे पितृ न हो परंतु सूर्य ग्रह के पास एक पितृ लोक है, वहां पर पितरों का वास होता है। तो गया जी छोड़ करके आ गए, उसके बावजूद भी 16 दिन आपको याद हो, उन 16 दिन में जिस जिसकी तिथि रही हो, पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक, आपको पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करना ही करना है। और नहीं करोगे तो कष्ट की प्राप्ति होगी, दुख मिलेगा, परेशानी होगी, बच्चे पैदा होंगे वो पितृ दोष से युक्त बच्चे पैदा होंगे और उनके जीवन में कष्ट होगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि 16 दिन में 16 श्राद्ध, जिसको बोला जाता है कड़वे दिन बोले जाते हैं, उन कड़वे दिन में आपको ब्राह्मण को, जो जनेऊ धारण करता हो, चोटी रखता हो, मंदिर में सेवा करता हो, बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को घर पे बुला करके मान सम्मान के साथ में भोजन करा के अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र आभूषण बर्तन गादी तकिए रजई चप्पल जूते ऊनी वस्त्र ये सब दान देना चाहिए। गया जी छोड़ करके आने के बाद भी श्राद्ध करना अनिवार्य होता है। जो नहीं करते उनको आप बता सकते हो, क्योंकि ये बताना भी अपने आप में पुण्य का काम है। कोई व्यक्ति यदि गलती कर रहा है, धर्म से संबंधित गलती कर रहा है, तो उसे रोका जाए कि भैया तुम गलती मत करो क्योंकि तुम सुखी नहीं रहोगे। कम से कम अपने मित्रों को तो आप ये बता सकते हो कि 16 श्राद्ध चल रहे हैं, उस श्राद्ध पक्ष में हर मनुष्य को, हर पुरुष को श्राद्ध कर्म करना चाहिए। क्योंकि लड़की हो तो उसके ऊपर भी पितृदोष होता है,
बालक उत्पन्न हो तो भी पितृदोष उत्पन्न होता है, यदि पिछले जन्म के पाप कर्म है तो। अब पिछले जन्म के पाप कर्म स्वयं के द्वारा किए गए भी हो सकते हैं, हमारे पितृ जो चले गए उनके द्वारा किए गए भी हो सकते हैं, हमारे संचित कर्म भी हो सकते हैं जो कई सालों से चले आ रहे हैं। तो पत्रिकाओं में हम देखते हैं जन्म पत्रिका में कि पितृ दोष की उत्पत्ति आती है, स्त्री के मामले में भी आती है, पुरुष के मामले में भी आती है। तो स्त्री भी कुश लेकर के तर्पण कर सकती है और ब्राह्मणों को भोजन करा सकती है, पर ब्राह्मणों को भोजन जब भी बने वह पूर्णतः शुद्ध अवस्था में बने, स्त्री की अशुद्धता में उसको भोजन नहीं बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में गाय का कंडा सूखा उपला जिसको बोला जाता है उसको अच्छे से जलाना चाहिए और पूर्णतः जब आग बबूला हो जाए, धुआं नहीं निकले, बिल्कुल अग्नि आ जाए, तब उसके ऊपर गुड़ घी शकर काले तिल ये डाल करके पितरों को भोजन देना चाहिए। तो गया जी छोड़ करके आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने हमेशा हमेशा के लिए पितृ को छोड़ दिया, वो आपके यहाँ नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 16 श्राद्ध में तो पितृ आपकी दहलीज पर आते ही आते हैं और उनके निमित्त आपको दान धर्म करना है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एवं नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देव ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्।